हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले। एक बार आठवां मंत्र पढ़ते हैं, आठवां नौ। यस्तो विज्ञानवान भवति, यस्तो विज्ञानवान भवति, समनस्का सदा शुचिः, समनस्का सदा शुचिः, सतो तत्पदमाप्नोति, सतो तत्पदमाप्नोति, यस्माद् भूयो न जायते, यस्माद् भूयो न जायते, विज्ञान सारथिर्यस्तु, विज्ञान सारथिर्यस्तु, मनः प्रग्रहवान् नरः, सोध्वना पारमाप्नोति, सोध्वना पारमाप्नोति, तद्विष्णो परमं पदम्, तद्विष्णो परमं पदम्। परम श्रद्धे स्वामी जी, संत समाज, भक्त समाज, सभी को वंदन। इस प्रसंग में जो शिष्य के रूप में नचिकेता है, आचार्य के रूप में स्वयं मृत्यु के देवता यमराज जी हैं, और यह प्रसंग था जिसमें दो मार्ग का निरूपण किया, एक श्रेय का और एक प्रेय का। जो श्रेय के मार्ग पर चलता है उसका हेतु विद्या है, और जो प्रेय के मार्ग पर जाता है उसका जो हेतु है वह अविद्या है। प्रेय के मार्ग पर चलने वाला संसार में पहुंचता है, संसार की गति मिलती है, और श्रेय के मार्ग पर चलने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ये गमन रूपी क्रिया होती है, यह जीव जो साधना करता है, चलता है, तो कोई न कोई साधन तो चाहिए ना। साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन का हम उपयोग करते हैं वह साधन क्या होगा? तो यहाँ पर साधन बताया कि आपका यह शरीर ही साधन है। अब यहाँ पर तीन भेद अपना समझना चाहिए। मैं हूँ साधक, मैं जो पहुँचना चाहता है वो है साधक, जो पाना चाहता है जिस तत्व को वो है साध्य, और साधक और साध्य के बीच में जो सेतु बनाता है उसका नाम होता है साधना। वो साधना ठीक ठीक अगर कोई कर ले तो साध्य की प्राप्ति होगी, और साधना अगर जरा सी कहीं गलती हो जाए, ठीक से ना हो पावे, तो उसको अपने साध्य की प्राप्ति फिर नहीं होगी। साधन यहाँ पर साधक तो वही भोक्ता है, साधन है यहाँ पर यह शरीर रूपी रथ, इसका निरूपण किया। यह शरीर रूपी रथ ही साधन है, इंद्रियाँ इसके घोड़े हैं, मन लगाम है, यह जीवात्मा रथ का स्वामी है और बुद्धि सारथी है। सबसे ज़्यादा ध्यान दिया किस पर? सारथी की जगह पर, बुद्धि की जगह पर। साधक ने, जो जीवात्मा है, वो तो लक्ष्य का निश्चय कर लिया, चल पड़ा, हो गया। लेकिन जिसका जो सारथी है वह अगर विवेकी है, निपुण है, तो उसका सारा का सारा यह रथ, इंद्री आदि सब सधा हुआ होगा। और अगर यह सारथी यानी बुद्धि
अविवेकी है, अज्ञानी है, अहंकार में पड़ा हुआ है, तो उसका ये शरीर रूपी रथ छिन्न भिन्न हो जाएगा, वैसे जैसे पांच घोड़े जुते हों, पांचों पांच तरफ चले। फल क्या होगा? बोले जिसका ये रथ सधा हुआ होगा, घोड़े सधे हैं, लगाम ठीक ठाक है, सारथी भी विज्ञानवान है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेगा जिसको विष्णु पद कहा, सर्वव्यापक पद कहा, वो उस परम पद को प्राप्त कर लेगा। और जिसका रथ सधा हुआ नहीं होगा वो तो अधोगति में जावेगा, वो तो यहाँ भी दुखी और यहाँ से जाने के बाद भी दुखी। अब जो प्रसंग आगे आता है ये साधना का, थोड़ा गंभीर साधना का विषय है। अधुना यत पदम गंतव्यम, देख लेना कहाँ मिल रहा है, अधुना यत पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्यक आत्मतया अधिगमः कर्तव्य इति एवं अर्थम इदम आरभ्यते। अधुना माने अब यत पदम गंतव्य, जिस पद तक जाना है, गंतव्य माने साध्य, जिस परम पद तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने के लिए तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि, तो सबसे ज्यादा स्थूल कौन हो गया, वह तो परम सूक्ष्म तत्व है, पहुंचना है हमको इसी साधन से, स्थूल से, तो इंद्रिय जो स्थूल है यहाँ से प्रारंभ करके फिर सूक्ष्म तारतम्य, इंद्रिय से जो सूक्ष्म होगा उसको, फिर उससे सूक्ष्म उसको, एक से इसका नाम दिया शाखा चंद्र न्याय। ये सुना है ना शाखा चंद्र न्याय? नहीं सुना? जैसे द्वितीया का चांद है, बहुत पतली सी धारा होती है और हम किसी को दिखाना चाहते हैं कि देखो द्वितीया का चांद, वो देख नहीं पाता, वो नहीं देख पाता, हमको ध्यान से देखते तो दिखाई पड़ता है, तो हम दिखाते हैं कि उधर देखो एक नीम का पेड़ है पीछे की तरफ, तो नीम का पेड़ मोटा है तो दिखाई पड़ गया, बिल्कुल ठीक ठीक। हम कहते हो नीम के पेड़ पर देखो तीन डालियां हैं, दिख रही हैं ना ऊपर, बोले हाँ दिख रहा है, तो तीन में से जो बीच वाली डाली है उसके ऊपर वाली जो बिल्कुल फुनगी जैसी नई पत्ती वहाँ दिखा, बोले हाँ वो भी दिख रहा है, बोले अब उसकी सीध में देखो तो क्या दिख रहा है, उसकी सीध में देखो तो उसकी सीध में देखोगे तो ऊपर चंद्रमा दिखाई पड़ गया, इसका नाम हुआ शाखा चंद्र न्याय। स्थूल से लेकर के हम एक एक करके बढ़ाते बढ़ाते सूक्ष्म की तरफ ले जाते हैं और उस परम सूक्ष्म को दिखा देते हैं। कौन सा सूक्ष्म तत्व है? प्रत्यक आत्मतया अधिगमः, यहाँ आपको अपने प्रत्यक आत्मस्वरूप को जानना है तो यहाँ बाहर की तरफ यात्रा नहीं है, बल्कि यात्रा किधर होगी? भीतर की तरफ। तो यहाँ पर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाओ, यही कर्तव्य है, यही आपको करना चाहिए। इसलिए इति एवं अर्थम, इस भाव को लेकर के आगे का प्रसंग प्रारंभ किया जाता है। इस बात को समझाने के लिए अब आगे का दो मंत्र, दो ऋचाएं इस बात को समझाती हैं। मंत्र पढ़ते हैं। इंद्रियेभ्यः परायर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान् परः। वैसे दोनों ऋचा एक साथ ही है, अलग अलग ही पढ़ते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थाः, जो यहाँ पर इंद्रियेभ्यः माने समस्त इंद्रियों की अपेक्षा, इंद्रियाँ स्थूल हैं, इंद्रियाँ स्थूल हैं, इनकी अपेक्षा अर्थाः विषय वह सूक्ष्म है, इंद्रियों से विषय परे हैं, इंद्रियों से विषय परे हैं, यानी सूक्ष्म हैं। गीता जी में यहाँ इसी प्रसंग में थोड़ा सा अंतर मिलेगा। गीता जी में क्या मिलेगा? इंद्रियाणि हयान आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः,
मनसस्तु परा बुद्धि यौ बुद्धि, ऐसा गीता जी में आएगा। तो वहाँ पर कहेंगे इंद्रियाणि हयान आहो, इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ हैं, विषय स्थूल है और इंद्रियां उनसे श्रेष्ठ है। वहाँ पर वो प्रसंग अलग तरीके से आएगा। यहाँ कह रहे हैं इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, इंद्रियों से सूक्ष्म विषय। अगला देखो अर्थेभ्यश्च परमनः, अर्थेभ्यश्च माने विषय, जितने विषय हैं खास करके पांच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषयों से जो सूक्ष्म है इनसे परे वो मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन के परे मन से सूक्ष्म कौन है? बुद्धि। बुद्धेः आत्मा महान परा, यहाँ आत्मा का अर्थ है समष्टि बुद्धि। तो व्यष्टि जो पहले आया मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, तो यहाँ व्यष्टि बुद्धि, और व्यष्टि बुद्धि से सूक्ष्म और परे श्रेष्ठ कौन हो गई? समष्टि बुद्धि। इस प्रकार से ये मंत्र का अर्थ हुआ। मंत्र का अर्थ इंद्रियों से परे विषय, विषयों से परे मन, मन से परे व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि से परे समष्टि बुद्धि। परे माने श्रेष्ठ, पर माने कहते हैं श्रेष्ठ। आगे भाव कर देखते हैं। स्थूलानि तावत इंद्रियाणि तानि यैहि अर्थैहि आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्यः इंद्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ते परा ह्यर्था सूक्ष्माः महान्तश्च प्रत्यक आत्मभूताश्च। देखो स्थूलानि तावत इंद्रियाणि, यह इंद्रियां जितनी हैं वह स्थूल हैं। स्थूल माने जो दिखाई पड़ती हैं, पकड़ में आती हैं, हमको हाथ दिखाई पड़ रहा है, आँख दिखाई पड़ रही, कान हमको पकड़ में आ जाता है, तो इंद्रियां कैसी हैं? स्थूल, जिनको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी आकृति होती है, जिसका कोई गुण होता है, तो इंद्रियां स्थूल हैं। स्थूलानि तावत इंद्रियाणि, इनसे ये इंद्रियां बनी कैसे, कैसे बनी, इस बात को कह रहे हैं। यही अर्थई आत्म प्रकाशानाय आरब्धानी, ये इंद्रियां बनी थी विषयों का प्रकाशन करने के लिए, विषयों का ग्रहण करने के लिए ये इंद्रियां बनी थी। देखो ऐसा होता है, इस चीज को थोड़ा सा, हम एक पेड़ लगाएं, उस पेड़ में 10 कुंटल आम हो गया, तो हम क्या चाहेंगे कि भाई आम अगर हुआ तो इसको खाने वाले भी तो होंगे ना, अगर आम है तो खाने वाले भी हों। हमारे पास आश्रम में 50 कमरे हैं, तो 50 कमरे में कोई मैं अकेले थोड़े रहूँगा, मन क्या होगा कि हमारे कमरों में रहने वाले भी तो होंगे, रहने वाले भी तो होंगे। तो ऐसे ही ये जो पांचों विषय जब शुरुआत में बने सबसे पहले, तो ये विषयों की उपलब्धि हो, विषयों का ग्रहण हो, इसके लिए एक एक इंद्रिय बनती गई। शब्द का ग्रहण होवे इसलिए बन गया हमारा कान रूपी इंद्रिय, फिर रूप का ग्रहण होवे इसलिए नेत्र रूपी इंद्रिय बन गई, स्पर्श का ग्रहण होवे इसलिए हमारी ही त्वचा रूपी इंद्रिय बन गई, गंध का ग्रहण होवे, तो ये सारे विषय अपने आप को व्यक्त करने के लिए इंद्रियों को बनाए। भाव समझना है, यही ही अर्थई ही, यही ही अर्थई माने ये पांचों विषय, ये पांचों विषय आत्म प्रकाशनाय, ये अपने आप को बताने के लिए, दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए आरब्धानितेभ्य इंद्रिभ्य, ये इंद्रियों को इसीलिए इन्होंने पैदा किया। अब समझो, जब हमारा जो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया पढ़ते हो, तो सबसे पहले पांच महाभूत उत्पन्न हुए ना, यही पढ़ा ना, पांच महाभूत, जिसमें आकाश का गुण था, शब्द, वायु का, स्पर्श, अग्नि का, रूप, जल का, रस और पृथ्वी का गण। तो पहले पैदा कौन हो गए? पांचों विषय, पहले पांचों विषय पैदा हुए ना। अब पांचों विषय अपने आप को प्रकट करने के लिए,
तब उसके बाद फिर अब पांचों महाभूतों से सृष्टि आगे बढ़ती है। तो पांचों महाभूतों के आकाश के सत्व गुण से स्रोत रूप इंद्री बन गई। अब क्रम याद कर लो ना, पहले क्या था, पांचों महाभूत थे तो पांचों विषय पहले थे, तो उनका ग्रहण होवे इसलिए ये अब वायु के जो स्पर्श गुण था उसका ग्रहण करने के लिए वायु के सत्व गुण से बन गई हमारी त्वचा रूप इंद्री, यही ना। फिर अग्नि के सत्व गुण से बन गया हमारा नेत्र रूपी, याद है ना, ये प्रक्रिया पूरी याद कर लो। जल के सत्व गुण से बना हमारी रसना रूप इंद्री, और पृथ्वी के सत्व गुण से बना हमारा घ्राण इंद्री, और पांचों महाभूत के सात्विक गुण को मिश्रण कर दिया, मिला दिया। जब मिला दिया था तो उससे जो बना था उसको हम कहते हैं अंतःकरण। तो पांचों ज्ञान की इंद्री और अंतःकरण ये मूल रूप से सात्विक हैं, पांचों महाभूतों के सत्व गुण से बने हैं, तो ये सात्विक ही हैं। अगर इसमें कोई दोष आता है, तामसिक वृत्ति आती, तो ये आगंतुक है, इसका स्वभाव नहीं है। इसके बाद याद है फिर पांचों महाभूत के रजोगुण से क्या क्या बना, हाँ, पांचों महाभूतों के रजोगुण से फिर पांच कर्म की इंद्रियां बनी अलग अलग, है ना। आकाश के रजोगुण से फिर बनता है हमारा वाक वाणी, आकाश के रजोगुण से वाक रूपी इंद्री बनी, फिर वायु के रजोगुण से बनी हमारी कर्मेंद्री बनती है ना पाणी, हाथ रूपी इंद्री बनी, फिर उसके बाद अग्नि के रजोगुण से बना हमारा पांव रूपी कर्मेंद्री, और फिर जल के रजोगुण के अंश से बना हमारा जननेंद्री रूपी इंद्री, और पृथ्वी के रजोगुण से बना हमारा उपस्थ नहीं गूधा मल द्वार, और पांचों महाभूत के रजोगुण अंश का जब मिश्रण कर दिया तो उससे बनता है पांच प्राण, पांच मुख्य प्राण, पांच उप प्राण, ठीक है, ये सृष्टि। और फिर जो पांचों महाभूतों का जो तमोगुण बच गया था, सत्व गुण से ज्ञानेंद्री बनी थी और अंतःकरण, और रजोगुण से कर्मेंद्री बनी थी और पांच प्राण बने थे, और जो तमोगुण बच गया था पांचों महाभूत का, उसका हुआ था पंचीकरणम, ठीक है ना, समझाना चाहिए। तो सब पंचीकरणम हो करके फिर प्रकट जो पांच महाभूत हैं वो सब के सब बन गए। तो ये पांचों महाभूत के शब्द स्पर्श आदि पहले थे ना, गुण शुरुआत में थे, इंद्री बनी उसके बाद में, तो ये पांचों महाभूत के शब्द आदि पांचों विषय हमको ग्रहण हो गए इसलिए हमको पांच इंद्रियां मिली, तो इंद्रियों से सूक्ष्म हो गए कौन, पांच विषय, क्योंकि वो पहले थे, ठीक है ना, स्पष्ट है उस बात को। भाष्यकार ने कहा यही ही अर्थ है आत्म प्रकाशानाय आरब्धानी, वो पांचों विषय पकड़ में आवे इसीलिए इंद्रियां बनी। तेभ्या इंद्रियेभ्या, ये जो इंद्रियां हैं क्या हैं, स्वकार्येभ्या, ये सब कार्य हैं, ये सब कार्य हैं, उत्पन्न हुई इनसे परे कौन है, ते परा ही अर्था सूक्ष्मा महांतश्च प्रत्यक आत्मभूता, इनसे परे ये विषय हैं। तो इंद्रियों से परे विषय, पर का अर्थ यहाँ तीन दिया, ये पर का हेतु, पर माने श्रेष्ठ, पर का माने श्रेष्ठ, तीन हेतु दिया, सूक्ष्मत्वात् महत्तत्वात् और प्रत्यक आत्मत्वात्, ये तीन हेतु, तीन शब्द आगे पूरा इसको हमेशा के लिए आप लोगों को काम आएगा। जो वस्तु जिस एक वस्तु जिससे सूक्ष्म, जो सूक्ष्म होती है वो श्रेष्ठ हो जाती है, स्थूल वस्तु गौड़ हो जाएगी और उससे सूक्ष्म वस्तु उससे श्रेष्ठ हो जाएगी, सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्मत्वात्, जैसे बर्फ है, बर्फ है स्थूल, उसका आकार है, और जल उससे हो गया सूक्ष्म, ठीक है ना। तो बर्फ की अपेक्षा जल क्या हो गया, अच्छा बर्फ को पी के दिखाओ, बर्फ को ऐसे अगर पियो, बर्फ से प्यास नहीं बुझती, बर्फ से प्यास नहीं बुझती, अगर कोई पहाड़ में बहुत प्यासा होए और सीधे बर्फ उसके मुंह में डाल दो, मर जाएगा, बीमार हो जाएगा,
वो फिर जो पहाड़ में रहते भी हैं बहुत ऊपर तपोवन वगैरह की तरफ में, वो बर्फ़ को आग में फिर पिघलाते हैं। हाँ, आग देखा है ना, तो पिघलाएंगे। जब वो पानी बन जाएगा गर्मी से तो कुछ देर रखेंगे, जब ठंडा हो जाएगा तब पियेंगे थोड़ा सा। सीधा जो है बर्फ़ खाए, अब आप लोग बर्फ़ खा लो एक अलग बात है, वो थोड़े दिन की बात है, दो चार दिन खाओ तो समझ में आ जाएगा। तो बर्फ है स्थूल और जल है उससे सूक्ष्म। तो हम कह सकते हैं बर्फ से यह जल परे है, क्यों? उससे सूक्ष्म है। अच्छा, दूसरी बात कहा, बर्फ को इतनी दूर में रख दिया, हमने दृष्टांत यही लिया, बर्फ को थोड़ी सी दूर में रख दिया, सिल्ली रख दिया, तो उसका एक चौकोरपना आकार बन गया, एक सीमा हो गई। जब वह पिघल जावे, जल बन जावे, तो थोड़ा पूरे कमरे में फैल जाएगा कि नहीं पानी, है ना? तो कैसा हो गया, बर्फ जितनी दूर में था उसकी बजाय जल उससे बहुत ज्यादा फैल गया, व्यापक हो गया ना, व्यापक हो गया, इसलिए बर्फ से वह जल परे है। क्यों? व्यापक है, महान है। तो सूक्ष्म है और महान है। तीसरा दिया, प्रत्यक आत्मभूताच, यह जो बर्फ है, अगर उस बर्फ में से जल हम निकाल लें तो बचेगा क्या? हाँ, उस बर्फ को चाहे दाएं से देखो, चाहे बाएं से, चाहे ऊपर से छुओ, चाहे नीचे से छुओ, उसके एक एक कोने में है जल ही, उसका प्रत्यक आत्मा है जल। नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश करना समझने का, थोड़ा सूक्ष्म विषय है। तो कोई भी वस्तु जब वह स्थूल होती है तो स्थूल वस्तु से जो सूक्ष्म होगी वह उससे श्रेष्ठ होती है, उससे श्रेष्ठ होगी, स्थूल से सूक्ष्म वस्तु श्रेष्ठ हो, उसका यहाँ पर कहा पर। या तीन हेतु दे रहे हैं, आगे जितना पर आएगा सब जगह पर ना, इससे परे ए है, फिर कहेंगे इससे परे ए है, तो ये तीन शब्द लगाते जाना, इससे सूक्ष्म है, इससे व्यापक है, महान है, और इससे ज़्यादा वो प्रत्यक आत्मा है। स्थूल बाहर है और इसका जो सूक्ष्म रूप है वो और ज़्यादा अंदर की तरफ प्रत्यक आत्मस्वरूप है, ऐसा ये तीन हेतु देते हैं। इसलिए कहते हैं सूक्ष्मा महान्तश्च प्रत्यक आत्मभूताश्च, इसलिए इंद्रियों से परे विषय। अभी तक हम लोग जो हमारी बुद्धिमत्ता था कि समोसा है विषय और जिभ्या है इंद्री, तो इस स्थूल से वो इंद्री सूक्ष्म है और उसके पीछे हमारा मन है, मन सूक्ष्म। हाँ ठीक है, वहाँ विषय को आप बहुत स्थूल देख रहे हो, इस समोसे में ले जा रहे हो। हम विषय किसको कह रहे हैं, और विषय किसका नाम हुआ? रसना का, शब्द स्पर्श रूप रस। आप चाहे समोसा देखो चाहे रसगुल्ला देखो, उसमें रस ले रहे हैं ना, तो रस कहाँ हो गया? वो तो सृष्टि के प्रारंभ में हो गया, वो तो पंचीकरण के भी पहले हो गया, है ना? इसीलिए मैंने इतना पूरा विषय लिया। तो वह जो जो वस्तु देख रहे हैं वो वस्तु स्थूल होगी, लेकिन उसमें से जो ग्रहण कर रहे हो, आपकी इंद्रियां जो ग्रहण कर रही, वो क्या है? मुंह खा रहा है ना, समझना, मुंह खा रहा है, लेकिन जो रसना इंद्रिय ग्रहण, जो आपकी इंद्रिय ग्रहण कर रही है, रसना इंद्रिय रस, वो जो रसना इंद्रिय है, समोसा खा रही क्या? मुंह समोसा खा रहा है, हाँ समझी, और रसना इंद्रिय क्या ग्रहण कर रही है? रस ग्रहण कर रही है। नहीं क्लियर हो रहा है? वो रस उससे सूक्ष्म है, हाँ इसीलिए कह रहे हैं ना, मैंने शुरू से इसीलिए कहा कि पांचों महाभूत पहले उत्पन्न हुए तो उनके पांचों विषय भी पहले पैदा हो गए, वो विषय सूक्ष्म है। तो जो अभी तक हम समझते हैं ये आलंबन बनता है रस लेने का, इसको आलंबन कह लो। हमने रसगुल्ला खाया, हमने लड्डू खाया, तो ये जो वस्तु खा रहे हैं ये रस के लेने का आलंबन है, इसके माध्यम से हमको रस मिला, लेकिन उसमें जो रस मिल रहा है हमको वह इंद्रियों से सूक्ष्म है, ठीक है ना? तो इंद्रियों से यह जो विषय हैं वह परे हैं,
परे हैं माने इनसे सूक्ष्म हैं, इनसे महान हैं, व्यापक हैं और इनसे अंतरतम हैं, इनसे प्रत्यक्ष। जब विषयों से मन को हटाओ तो वो यही विषय है कि विषय से मन को हटाओ। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ इसे यही बात है। हाँ वो भी आगे आएगा। हाँ तो उसको यहाँ पर यहाँ बस इतना समझना, इस प्रसंग में इतना समझना है कि इंद्रियाँ स्थूल हैं और इंद्रियों से सूक्ष्म हमारे ये पांच विषय। हेतु क्या दिया? ये हेतु है। हेतु क्या दिया? सूक्ष्मत्वात्, महतत्वात् और प्रत्यकात्मत्वात्। इसलिए अगर किसी को आप श्रेष्ठ बताना हो कि इस चीज़ से ये वाली श्रेष्ठ है तो आपको कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ेगा ना। इस कपड़े से ये कपड़ा श्रेष्ठ है, यही ना। क्यों? तो हेतु बताना पड़ेगा। क्या हेतु बताओगे? कि ये कपड़ा ज़्यादा दिन चलेगा, ये कपड़ा सस्ता मिल जाता है, यही ना, यही कहोगे ना। फिर एक कपड़ा पहनेंगे तो इसमें गर्मी कम लगेगी, हमारे ब्रह्मचेतन को टेरिकॉट पसंद नहीं है, है ना, तो इनको सूती चाहिए, ये सूती कपड़ा। तो आपने उसकी महिमा बताई ना, इसमें कोई विशेषता है। तो ऐसे यह इंद्रियों से विषय श्रेष्ठ। क्यों? सूक्ष्मत्वात्, महत्त्वात्, प्रत्यकात्मत्वात्। एति कोई भी चीज़ होती है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तेभ्यो अपि अर्थेभ्यश्च परम सूक्ष्मतरम महत् प्रत्यक आत्मभूतम च मनः। तेभ्यः, तेभ्यः माने अर्थेभ्यश्च, ओ पांचों विषय से। देखो विषय हैं पांच, विषय हैं पांच और उन पांचों विषयों को ग्रहण करने के लिए एक है हमारे पास में मन। इंद्रियों के माध्यम से कौन स्वाद ले रहा है? हाँ भाई आँख देख रही है मन। हाँ आँख के माध्यम से मन देख रहा है। और कभी हमने आँख बंद भी कर लिया तब भी हमको पता है कि यहाँ पर आप बैठ करके सत्संग सुन रहे हो। हाँ अब उस समय कौन विषय बन गया? मन का। बोले ये जो बाहर एक आलंबन से मन में एक उसका संस्कार पड़ गया था, वो संस्कार ही वहाँ पर आलंबन बन गया ना। तो अर्थेभ्यश्च ये पांचों विषयों से, देखो फिर वही आएगा, परम, परम माने सूक्ष्मतरम, महत, प्रत्यकात्म, वही तीन चीज। विषयों से सूक्ष्म, महान और प्रत्यक आत्म स्वरूप कौन है? मन है। वह मन विषयों से श्रेष्ठ हमारा मन। एक मन में संशय आएगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा संशय उठाया, यहीं पर सबसे ज़्यादा है। अभी अभी जो हमने बात किया ना, अभी अभी सुना तुमने, सावधानी से समझना आज थोड़ा बुद्धि जगा के, कि सृष्टि में पांचों महाभूत पहले पैदा हुए, उनके गुण हो गए पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हो गया ना महाभूत के साथ में। उसके बाद फिर पांचों महाभूत के सत्व गुण से बनी कौन सी? पांचों ज्ञान की इंद्री, ठीक है। फिर वो पांचों महाभूतों के सत्व गुण का मिश्रण कर दिया तो बना क्या? अंतःकरण। तो मन बाद में बना ना अंतःकरण, मन बाद में बना ना। तो विषय पहले बने थे और मन बाद में बना। जैसे इंद्रियां बनी तो पांचों महाभूतों के सत्वगुण से इंद्रियां बनी और पांचों महाभूतों के सत्वगुण का मिश्रण करने के बाद में बना अंतःकरण। तो उसी अंतःकरण का एक हिस्सा है मन, यही है ना मन। तो जैसे इंद्रिय बाद में बनी वैसे विषयों के बाद मन भी तो बना, विषय तो पहले थे। तो आप ये कैसे कहते हो कि विषयों से श्रेष्ठ मन है? हाँ नहीं, विषयों से, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, इंद्रियों के परे विषय और विषय से श्रेष्ठ मन है। क्यों कहते हैं आप? तो कहा सूक्ष्म, महान और प्रत्यक। यहाँ पर जो इसीलिए अगला जो एक छोटी सी पंक्ति है, मनः शब्द वाच्यम मनस आरंभकम भूत सूक्ष्मम, यह पंक्ति जाके ब्रह्मसूत्र में विस्तार में खुलेगा। यही पंक्ति वो तो
हाँ बस देख लीजिए आया ना यहाँ पे, तो ये फिर बृहदारण्यक में और ये फिर ब्रह्मसूत्र का विषय आ जाएगा। थोड़ा सा एक जरा सा हिंट दे देते हैं, जरा सा इशारा समझिए। आपका जो हमारा ये सूक्ष्म शरीर है जिसको हम कहते हैं, या शरीर हो गया स्थूल, स्थूल शरीर के अंदर हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में 19 अंग हैं या 17 कह लो, 17 भी कहते हैं और 19 भी कहते हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण और मन बुद्धि 17, और 2 और जोड़ दिया चित्त और अहंकार तो हो गए 19। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये एक तरीके से आपका एक शक्ति है ना, एक शक्ति है हाँ। इसका कोई आकार नहीं है, सूक्ष्म शरीर का कोई आकार नहीं, एक सामर्थ्य विशेष है। ये स्थूल शरीर जब मर गया तो इस शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर ही तो जाता है, अब चूंकि उसका कोई आकार नहीं है तो किसी भी शरीर में वो चला जाता है, यही ना। तो जब उसका कोई आकार नहीं है, केवल शक्ति विशेष है, केवल शक्ति विशेष है, तो वो जाता कैसे है, कैसे जाता है और कैसे नया शरीर धारण करता है? तो इसमें जैसे देखो, कोई भी शक्ति होती है तो उसको चलने के लिए कोई आधार चाहिए। दृष्टांत में आप बिजली को लो, हाँ बिजली को दृष्ट, बिजली है, अगर बिजली एक शक्ति है, जब चलती है तो किस पर, उसको चाहिए क्या, तार चाहिए हाँ। पतले से तार में अब इतना जो है 1000 वाट की बिजली चल रही है, 1000 वाट है ना, किलोवाट की शक्ति चल रही पतला से तार में, तो लेकिन उसको एक उपादान रूप स्थूल चीज चाहिए जिसके ऊपर से वो शक्ति प्रवाहित होवे। बिना किसी किसी आधार के, बिना किसी उसको आलंबन के, वो शक्ति यहाँ से वहाँ जाएगी कैसे, क्योंकि वो तो केवल शक्ति मात्र है, उसको एक सहारा चाहिए। तो यह जो सूक्ष्म शरीर है जब यहाँ से जाता है तो यहाँ से ये अपने स्थूल महाभूत जितने हैं इन सारे पांचों महाभूतों से कुछ सार सार ले लेता है। अच्छा जैसे समझो ना, आपके पास में चाहे पूरा प्रवचन आपने भर लिया मोबाइल में, पूरा प्रवचन भर लिया, यही ना, पूरा प्रवचन भर लिया, प्रवचन शब्द है, प्रवचन शब्द है, आपने मोबाइल में डाल लिया, कैमरा में डाल लिया, अब एक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है आपको, कोई आधार चाहिए कि नहीं हा? कोई आधार चाहिए, आपको सिम कार्ड चाहिए, मेमोरी कार्ड चाहिए, चिप चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, या आपको तार चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वाईफाई चाहिए, कुछ तो चाहिए ना। वो ये जो प्रवचन भरा एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कैसे ले जाओगे, अगर कोई कोई आलंबन ना हो तो, आप मेमोरी कार्ड में भर लिए इतना सारा, यही होगा ना, तो किस में भरा, कोई ना कोई सूक्ष्म जो है उपादान है। तो यह जो जीवात्मा है जब यहाँ से चलता, जैसे इस बात को समझाने के लिए, ये सिद्धांत समझाने के लिए मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार की कथा ये सिद्धांत समझाता है हाँ, उसको बहुत हल्के हम लोग सुना देते हैं भागवत की कथा में हाँ हाँ। वो जब प्रलय का समय आया तो उन्होंने कहा कि तुम बीजों को रख लो, सप्तऋषियों को रख लो, नाव बनाओ और उस पर बैठ जाना, ऐसे कहा ना। तो वो सब का सब, यह जो सूक्ष्म शरीर है सपने सारे संस्कार सारी कामनाएं वासनाओं को जब रखता है और जब यहाँ से चलता है तो यही पांच महाभूतों से कुछ उपादान ले लेता है, कुछ चीज उसका सार सार रख लेता है हाँ सार सार को व्यर्थ है ऐसे कुछ, और वही उसका उपादान बन जाता है। तो वह जो ले करके यहाँ से जाता है उसी को हम कहते हैं भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म महाभूत मत कह देना, सूक्ष्म महाभूत फिर हम कहते हैं अपंचीकृत महाभूत,
पांचों महाभूत को उसको हम कहते हैं सूक्ष्म महाभूत। और भूत सूक्ष्म जब हम कहते हैं तो भूत सूक्ष्म माने यहीं पर पांचों महाभूतों से उपादान बना करके कुछ यह जीव यहाँ से जाता है, फिर जहाँ जाएगा उसी उसी जो उपादान लेके गया है उसी में से फिर उसका नया शरीर आदि बन जाता है। जैसे आप कह लो बीज लेके गया और बीज में से वो बन गया। आजकल तो नई टेक्निक है ना, छोटा छोटा उसमें एक छोटे से डंठल से हजारों पेड़ पैदा कर लेते हैं ये वनस्पति विज्ञान वाले। उसको जो है सबका सब चूरा चूरा कर दिया, छोटा छोटे उसके सेल्स ले लिए और उसी से पूरा पेड़ पैदा हो जाता, पूरा पेड़ पैदा हो जाता है। तो कैसे, तो वहाँ से कुछ लिया सूक्ष्म ना, डीएनए ले लिया, कोई जीन्स ले लिया, कोई सेल्स ले लिया, यही ना, सेल्स ले करके गए और उस सेल्स से उसको पूरा का पूरा वैसे बना लिया। या क्या कहते हो जैसे आजकल एक क्लोन वाला शब्द चला है ना, क्लोन चला है। तो क्लोन यहाँ से लेके गए ना कुछ, इस शरीर में से कुछ तत्व तो निकाला उन्होंने, सार निकाला और ले जा करके उससे उन्होंने नया वैसे हूबहू बना दिया। तो ऐसे यह जो जीव है, ये जीव जब इस शरीर को छोड़ के जाता है तो सब छोड़ के नहीं जाता। ये देहाती कहावत है कि वो सुई भी नहीं ले जा सकता, कुछ नहीं खाली, क्या कहते हो, खाली हाथ आया बंदे, खाली ही वो भजन में आता है, भजन गा ले। यह जीव जब आया है तो अपने संस्कार, अपनी वासनाएं और भूत सूक्ष्म लेके आया है और उसी भूत सूक्ष्म में उसके सारे संस्कार, सारी वासनाएं, वो पोटली से ऐसी थी, उसी में से फिर से यह इसका नव निर्माण होता है। तो यह भूत सूक्ष्म उसका चलता रहता है। तो भाष्यकार कहते हैं मनः शब्द वाच्यम मनस आरंभकम्। यहाँ जो श्रुति ने मन शब्द कहा है, मन कहने का मतलब है इस मन का प्रारंभ करने वाला वो भूत सूक्ष्म, इसका बीज। ये मन जब शुरू हुआ, शुरुआत में जब कभी मन शुरू हुआ, इसका प्रारंभ करने वाला मनस आरंभक, मन को प्रारंभ करने वाला वह भूत सूक्ष्म वो मूल उपादान जो जीव 50 जन्म में लेके गया था, फिर लेके आया, फिर अपना वह चीज जो है यहाँ मन, मन जो कहा ना कि इन विषयों से श्रेष्ठ मन है, तो उसको मन कहा यहाँ पर। थोड़ा मुश्किल वाला है ये पंक्ति, थोड़ी मुश्किल, यही पंक्ति मुश्किल है, आगे एक पंक्ति जरा सी और आएगी बाकी सब आसान हो जाएगा। ये विषय विस्तार में आगे आएगा, यहाँ पर इतना समझना है कि अगर इसी मन को हम मानते हैं, ये जो मन हम विचार कर रहे हैं, इसी मन को आप मानोगे तो इस मन को मानने पर फिर होगा कि ये मन बाद में बना और विषय इसके पहले बने थे, विषय पूर्व में थे, मन बाद में बना, तो मन का कारण भी जो है मूल विषय होगा, तो फिर मन से श्रेष्ठ या विषयों से श्रेष्ठ मन कैसे हो जाएगा, कारण से श्रेष्ठ कार्य कैसे हो जाएगा, ये प्रश्न पैदा हो जाएगा। इसलिए भाष्यकार ने कहा मनः शब्द वाच्य मनस आरंभक, मनः शब्द से इस मन का जो प्रारंभ करने वाला उपादान था वह भूत सूक्ष्म, उसको हम कह रहे हैं कारण शरीर को तो अव्यक्त कह देंगे ना, उसमें सब हुआ था, वो कारण शरीर को तो थोड़ा सा जो है अव्यक्त के नाम से कहा ही जाता है, अविद्यात्मा पूरा, वो कारण शरीर तो रहते रहता है, कारण शरीर तो रहते रहता है, लेकिन यहाँ पूरा कारण शरीर को मानना क्योंकि बहुत सूक्ष्म, हाँ जी जी, सूक्ष्म महाभूत कार्य है, जो अपंचीकृत महाभूत है सूक्ष्म महाभूत तो कार्य है और भूत सूक्ष्म उसका कारण है, हाँ जी, इसलिए वो श्रेष्ठ है। नहीं क्लियर हो रहा है, हाँ? आगे बढ़ूँ फिर आगे, तो यही पंक्ति थोड़ा सा रहस्यमयी है। संकल्प विकल्प आदि आरंभकत्वात् मनसो अपि परा सूक्ष्मतरा महत् तरा प्रत्यक आत्मभूता च बुद्धि ही।
यहाँ तक देखो, हाँ, संकल्प विकल्प आदि। अब देखो ये मन का लक्षण बताया, अब यहाँ से आसान हो गया। मन का लक्षण क्या हुआ, परिभाषा, संकल्प विकल्प आत्मकः मन, जो संकल्प विकल्प करने वाला कौन है, वो मन है। संकल्प विकल्प आदि आरंभकत्वात्, तो इस मन से भी, यह जो संकल्प विकल्प करने वाला यह मन है, इस मन से भी, इस मन से, हाँ, ये परे कौन है, कहा सूक्ष्मतरा, परा माने फिर वही सूक्ष्मतरा, महत्तरा और प्रत्यक आत्मभूताचा बुद्धि, इससे भी परे है बुद्धि। तो मन से भी परे हो गया संकल्प विकल्प आत्मक जो मन है, यह जो मन है इससे भी परे हो गया बुद्धि। आगे देखो, अच्छा, बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसायादि आरंभकम भूत सूक्ष्मम, फिर से एक बार शब्द आया है। यही बुद्धि शब्द से किसको कहा जा रहा है, कह रहे बुद्धि शब्द वाच्यम, बुद्धि शब्द से अध्यवसायादि, निश्चय करने वाली, अध्यवसाय माने निश्चय करने वाली, जो निश्चय करने वाली है कौन, वह निश्चय करने का जो आरंभक है वो अध्यवसायादि आरंभकम, ये निश्चयात्मिका, इसका जो आरंभक है वही उपादान कौन, भूत सूक्ष्म, वही भूत सूक्ष्म। यहाँ पर टीकाकार थोड़ा सा आनंद गिरी जी इस प्रश्न को लेंगे कि आपने मन का भी जो आरंभक है भूत सूक्ष्म कहा और बुद्धि का भी आरंभक भूत सूक्ष्म कहा, तो दोनों में फिर जो है एक से परे की बात कैसे बनेगी, इस बात को उन्होंने उठाया, इस बात को ऐसा विचार किया। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बात को ऐसे समझो कि यहाँ पर मन माने संकल्प विकल्पात्मक और बुद्धि माने निश्चय करने वाली, तो इस मन से भी परे कौन, बुद्धि, मन से भी परे बुद्धि, उसका जो भूत सूक्ष्म है मूल, उसका जो तत्व मूल तत्व है। एक चीज और समझो, हमको जो बुद्धि दिखाई पड़ रही है ना, ये कार्य रूप में है, एक विचार आया वो विचार चला गया, दूसरा विचार आया, तो एक कार्य रूप है ना। बुद्धि क्या चीज है, हमको बुद्धि का कार्य दिख रहा है, जैसे मन है, तो मन में एक संकल्प आया चला गया, दूसरा संकल्प आया वो चला गया, तीसरा संकल्प आया, तो हमको संकल्प विकल्प दिख रहा है ना। मन क्या है, नदी है, नदी, नदी का दृष्टांत ले आओ, नदी है, तो नदी में जल का प्रवाह दिखाई पड़ रहा है ना निरंतर, एक जल आ रहा है दूसरा जल चला रहा है, तो गंगा कौन है, वहां तो जलों, जल का ही एक तरीके से प्रवाह दिख रहा है, तो नदी क्या चीज है, किसको, वहां तो जल है और जल बह रहा है केवल, इतना ही है ना, तो नदी किसको कहते हो आप, तो हम कहेंगे इस जल के प्रवाह का जो मूल है उसका नाम हो गया नदी। शरीर है, शरीर है, शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, बचपन से लेके आज तक शरीर में परिवर्तन होता चला जा रहा है, प्रवाह चल रहा है, तो यहां मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो इसका जो आरंभक है, इसका जो मूल है आरंभक कौन, इस शरीर का जो आरंभक है वही हो गया मैं, प्रारंभ करने वाला वह मैं, वो दिखाई नहीं पड़ता, अधिष्ठात्र रूप है उसका। तो यहाँ पर दो चीज सीधा, अब बिल्कुल आसानी से इसको इतना समझ लो कि इंद्रियों से परे विषय हैं, विषयों से परे मन है, क्योंकि सूक्ष्म है, व्यापक है और अंतरात्म स्वरूप है, और मन से परे बुद्धि है। अच्छा, आगे, बुद्धेरात्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यक आत्मभूतत्वात् आत्मा महान सर्व महत्तत्वात् अव्यक्ताद् यत् प्रथमं जातं हिरण्यगर्भं तत्त्वं बोधबोधात्मकं महान आत्मा बुद्धे पर इतुच्यते। थोड़ा सा, थोड़ा बुद्धि लगाना, मंत्र में देखना, मंत्र में लिखा है ना बुद्धे आत्मा महान परा, ये है ना बुद्धे आत्मा, वहां, यहां पर आत्मा शब्द का अर्थ होगा हिरण्य गर्भ,
हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ माने समष्टि। देखो आत्मा शब्द के यहीं पर कई अर्थ हो गए ना। एक जगह पर आत्मा था जीवात्मा के लिए, आत्मानम रतिनम विद्धि, वहाँ पर आत्मा शब्द था जीव के लिए। फिर एक जगह पर आत्मा शब्द था शरीर के लिए, ऐसा भी एक जगह पर आया था। हाँ, अब यहाँ वहाँ पर तो जीव के लिए आया था, वहाँ पर जीव के लिए आया था, और एक जगह पर आत्मा शब्द आया था आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणा, चौथे मंत्र में। आत्मा, इंद्रिय, मन, इन सब से जुड़ करके भीतर जो भोक्ता है वही जीव है ना। तो वहाँ आत्मा आया शरीर के लिए। अब यहाँ पर आत्मा शब्द जो लिखा है ये है हिरण्यगर्भ के लिए, समष्टि बुद्धि के लिए। इसीलिए शब्द को समझने के लिए पूरे प्रकरण को समझना पड़ता है। तो बुद्धे आत्मा, तो भाष्कर कहते हैं बुद्धे आत्मा माने सर्व प्राणी बुद्धि नाम, व्यष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि श्रेष्ठ है। सर्व प्राणी बुद्धि नाम, क्यों? प्रत्येक आत्मभूतत्वात्, क्योंकि सभी के भीतर वो समाया होता है। आत्मा महान सर्व महतत्वात्, वो सब में व्यापनशील है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए व्यष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि श्रेष्ठ। देखो अब इसको समझिए सरल भाषा में, सरल भाषा में समझना। एक व्यष्टि बुद्धि है, व्यष्टि बुद्धि माने हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि ये है कि हम बाहर जा कर के जो है सोएं, हम बाहर जा के सो जाएं, हमारे मन में है। और वहीं 50 भगत लोग आके बैठ गए, महाराज कुछ आशीर्वचन दो। अब हम क्या करेंगे, कौन से बुद्धि प्रभाव देगी? अब वो 50 लोग आके बैठ गए और 50ों ने कहा स्वामी जी कुछ आशीर्वचन दो। तो हमारी जो व्यष्टि बुद्धि थी, हम कह रहे थे सोएंगे, हमारी व्यष्टि बुद्धि से श्रेष्ठ कौन हो गई? हो समष्टि बुद्धि। 50 लोगों की बुद्धि के अनुसार अब हम उठ के बैठ गए और उनको हम उपदेश देना शुरू कर दिए, ठीक है ना। ये है व्यष्टि बुद्धि माने एक यूनिट, समष्टि बुद्धि माने। अच्छा, सारा समाज कहता है हमको अच्छा नहीं लगता लॉकडाउन में बंद रहो, और सारे समाज की स्थिति ऐसी है कि बंद रहो, तो शासन ऐसा चाहता है तो समष्टि बुद्धि प्रधान हुई कि व्यष्टि, है ना। समष्टि बुद्धि माने बहुत सारी बुद्धि मिल करके। तो एक आदमी के मन में आता है नहीं मैं घूम के आऊं, मैं तो स्वतंत्र देश का नागरिक हूं, मैं पराधीन क्यों रहूं। अरे मैं तो स्वतंत्र हूं, जाता हूं मैं सड़क पर घूम के आता हूं। बोले जाओ सड़क पर, 2-4 लाठी खा के आना। क्यों? बोले आपकी व्यष्टि बुद्धि अपनी जगह पर, समष्टि बुद्धि उससे श्रेष्ठ। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसी बात को हमारा ये जो ब्रह्मांड है, समझो इस ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में एक समाज की बुद्धि है, उसकी बजाय राष्ट्र की बुद्धि और बड़ी होगी, यही ना। फिर एक राष्ट्र की जो बुद्धि है उसके बजाय पूरे विश्व की बुद्धि और बड़ी होगी। ऐसे सारी सृष्टि का जो है समष्टि बुद्धि जिसमें है उसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। उसको थोड़ा सा सब सर्वव्यापक की दृष्टि से हम सूत्रात्मा भी कह देते हैं, प्राण की दृष्टि से सूत्रात्मा कह देते हैं, प्राण की दृष्टि से कहते हैं सूत्रात्मा, वही हिरण्यगर्भ हो गया, उसमें सब कुछ है। तो ये व्यष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि श्रेष्ठ है, क्यों? हाँ, इसलिए कह रहे हैं सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्येक आत्मभूतत्वात्, क्योंकि वो सब में समाया हुआ। जैसे कल हमने मठाकाश का कहा, मठाकाश सारे घड़े में समाया हुआ है, वो सब में समाया तो श्रेष्ठ है। महान सर्व महतत्वात्, महान माने मंत्र में महान है तो माने वो सर्व से व्यापक है। क्यों है? बोले अव्यक्तात्, सृष्टि व्यक्त है और वो अव्यक्त है। फिर यत् प्रथमम जातम, अरे सबसे पहले वही प्रकट हुआ। प्रथमम जातम माने इस जगत में सबसे पहले वही प्रकट हुआ। हिरण्यगर्भ, हम उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। वह जो है कैसा है? बोध बोधात्मकम, उसमें दो शक्ति है, बोध अबोधात्मक, बोध अबोधात्मक। बोध माने ज्ञान शक्ति, अबोधात्मक माने क्रिया शक्ति। उसके भीतर दो शक्ति हैं,
उस हिरण गर्भ में वह जो समष्टि बुद्धि है हिरण गर्भ, वह परे है, सूक्ष्म है। यहाँ पर ये मंत्र पूरा हुआ, बुद्धे पर इति उच्यते। हाँ, मतलब पूरा मंत्र का अर्थ, इंद्रियां स्थूल हैं इसकी अपेक्षा विषय सूक्ष्म है, फिर विषय स्थूल हैं उनकी अपेक्षा मन सूक्ष्म है, ठीक है ना? मन भी स्थूल हो गया उसकी अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है, ठीक है ना? बुद्धि भी स्थूल हो गई एक की, उसकी बजाय समष्टि बुद्धि हिरण गर्भ उससे हो गया सूक्ष्म, ठीक है ना? तो हिरण गर्भ भी स्थूल होगा तो उससे, तो अगला मंत्र कहते हैं हिरण गर्भ से भी परे है। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परम किंचित् साकाष्ठा सपरागतिः। मंत्र में देखना, मंत्र में महता परम अव्यक्तम, महत से, यहाँ महत माने हिरण गर्भ, हिरण गर्भ से समष्टि बुद्धि से परे कौन? अव्यक्त। फिर अव्यक्तात् अव्यक्त से परे, वही कारण तीन, सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यक आत्मस्वरूप है, उससे परे कौन? परम पुरुष, परः पुरुषः परम पुरुष। तो फिर यही क्रम आगे बताइए महाराज, पुरुष से परे कौन, उससे सूक्ष्म कौन, उससे बड़ा कौन? तो कहते हैं पुरुषात् न परम किंचित, यहाँ पर अब ब्रेक लगाया, उस पुरुष से परे और कुछ भी नहीं। साकाष्ठा सा परागति, वही सारी साधना की पराकाष्ठा है, वही परम गति है, उससे फिर परे और कुछ भी नहीं। वह परम पुरुष को जो प्राप्त कर ले, भाष्य भी देखें या शाम को? तो पढ़ना है भाष्य की शाम को? कोई नहीं, सब सब आप पूछ रहे हैं, कोई जवाब तो नहीं दे रहा। सब बुद्धि हिल गई ना इसमें, सूक्ष्मत्वात् महत्तत्वात् प्रत्यक आत्मतत्वात्। हाँ, अरे अच्छा एक बात बताओ, देखो सरल भाषा में कहूँ, सरल भाषा में, जिन लोगों के, अरे जिन लोगों की हार्ट की बाईपास सर्जरी होती है, बाईपास माने एक नस फंस गई, जाम हो गई, तो दूसरी नस से उसको ऐसे घुमा करके बाईपास, जैसे सड़क हमारा बाईपास किसान पथ बन गया, शहीद पथ बन गया, ऐसे बाईपास कर देते हैं नस को, तो वो जो नस निकालते हैं हमारे शरीर से निकालते हैं नस, हमारे शरीर से, हाँ पाँव से निकाल लिया, हाथ से निकाल लिया, कहीं और के नस, क्योंकि भैया पाँव की बजाय हार्ट ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो पाँव की बजाय हार्ट सूक्ष्म है, महान है और प्रत्यक अंदर है कि नहीं? पाँव बाहर है, चलो पाँव बाहर है, हाँ सूक्ष्म स्थूल है, इसके इससे हार्ट कितना हो गया? सूक्ष्म हो गया। महत्तत्वात् कीमती है, पाँव बाहर है और दिल भीतर है, प्रत्यक है। जब इस शरीर में भी ऐसे समझ सकते हो तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड में समझो, इंद्रियों से विषय सूक्ष्म, विषयों से मन सूक्ष्म, मन से फिर बुद्धि सूक्ष्म, बुद्धि से समष्टि बुद्धि, वह सूक्ष्म है, महान है, प्रत्यक आत्मा है, और उस महान से फिर अव्यक्त और अव्यक्त से परम पुरुष। मंत्र का भाष्य शाम को पढ़ते, पुरुषान ना परम, परम है, परम होगा, पुरुषान ना परम किंचित, उससे परे फिर कुछ नहीं है, साकाष्ठा सापरागत, वही सीमा रेखा है, बस समाप्त, साकाष्ठा वही सबका पराकाष्ठा है, वही परम गति है, ठीक है। और कोई नहीं, बस अब उससे सूक्ष्म और कौन होगा, इसीलिए हमने पुरुष के लिए तो कहा अणोर अणियान, महतो
अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी, तो जितने सूक्ष्म की कल्पना कर सकते हो वो हो गया महत्व महीयान, जितने महान से महान की कल्पना कर सकते हो वो हो गया। तो उससे फिर सूक्ष्म कोई नहीं, उससे महान कोई नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।